सो गाइस कैसे हम सभी दोस्तों, एसएससी सीजल का एग्जाम आपका अब बस नजदीक ही है। कुछ ही दिनों की दूरी पर आपका ये एग्जाम भी कंडक्ट हो जाएगा और अभी ऐसे में आप लोगों की चल रही है तैयारियां, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनके स्कोर्स उस दहलीज पर नहीं पहुंचे हैं जिस दहलीज पर जाकर के आप लोगों को सफलता अर्जित होगी। बच्चों, अभी भी बहुत सारी कमियां ऐसी हैं जो आप में रह रही हैं, उनको बच्चों एग्जाम से पहले ही इंप्रूव कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में पछताने के अलावा कोई भी आपके पास बात नहीं रह जाएगी। दूसरी बात, बच्चों को पता है कि इस बार वैकेंसी कितनी ज्यादा है, मतलब वैकेंसी की इस बार था है, मतलब एक हद से ज्यादा वैकेंसी इस बार है बच्चों आपके पास में, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है आपके पास में बच्चों। मतलब यहां से अगर आप लोगों ने नहीं लिया सिलेक्शन तो ये भी एक बहुत ज्यादा पछताने वाली बात हो जाएगी आप लोगों के लिए, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज्यादा है। So guys, ऐसे में क्या है कि आप अपनी तरफ से कोई भी कमी ना रखें, खासकर इंग्लिश और रीजनिंग को लेकर के। अभी क्या है बच्चों, आपको पता है कि पैटर्न भी बहुत सारा चेंज हो चुका है, बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं। जो हुआ पहले सीजल का हुआ करता था वो हुआ अब नहीं रहा है, कि मेंस में आपको 200 की इंग्लिश करनी है, 200 की मैथ्स करनी है, वो हुआ कम से कम खत्म हो चुका है, क्योंकि अभी जो है मेंस का सिलेबस भी काफी कुछ बदलाव के साथ आ चुका है। वो ही जो तैयारी आप लोग प्री में कर रहे हैं वही तैयारी आपके मेंस में भी काम आने वाली है। So, यहाँ पर बच्चों आपको प्री अपना एग्जाम जो है बहुत बेहतर लेकर चलना होगा, प्री में आपको पूरी जान अड़ा देनी होगी, तभी आप लोग अपना एग्जाम में कुछ कर पाएंगे। बच्चों ध्यान रखें, प्री की तैयारी इस बार मेंस में भी काम आने वाली है। सो गाइस, यहाँ अगर आप लोग इंग्लिश में अपना स्कोर इंप्रूव करना चाह रहे हैं और रीजनिंग में खासकर, क्योंकि इंग्लिश और रीजनिंग दो ही आपके ऐसे सब्जेक्ट रहेंगे जो आपको पीछे धकेल रहे हैं। सो गाइस, इंग्लिश के लिए मैं आपको सलाह दूंगा, जैसे कि बच्चों अभी आपके पास समय है तो आप इस समय या तो किरण इंग्लिश 16,000 वाला वर्जन कर लीजिएगा, और रीजनिंग में अगर मैं आपको सलाह देने की बात करूं गाइस, तो रीजनिंग में बच्चों किरण का ही आपका आया हुआ है 11,000 या 12,000 वाला क्वेश्चन, दोनों सेम ही है, बस कुछ क्वेश्चन यहां पर थोड़े से एक्स्ट्रा दे दिए गए हैं 12,000 वाले में। यस गाइस, दोनों में लगभग सेम मटेरियल है, सेम प्रोसीजर है, क्वेश्चन एक्स्ट्रा मतलब यह है कि बच्चों थोड़ा सा एडवांस वर्जन कह लीजिए इसको, ये वो एग्जाम जो बाद में हुआ वो भी इसके अंदर क्वेश्चन डाल दिए गए हैं, मतलब लेटेस्ट एग्जाम जो आपके कंडक्ट हुए हैं टीसीएस के बाद से वो भी इनके अंदर इंक्लूड है बच्चों। तो यहां आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर अपनी बनानी है कमांड। अगर आप लोग इन पर कमांड बना ले तो आप लोगों का स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगा, वो गलतियां बिल्कुल ना करें जो बच्चे गलतियां कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल लास्ट टाइम पे जाके खड़े होंगे कि स्कोर नहीं बढ़ रहा है। दूसरी बात बच्चों, आप लोग जो मॉक दे रहे हैं और मॉक में आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तो बच्चों यहाँ से बिल्कुल हताश नहीं होना है, क्योंकि मॉक आपके स्कोर को बढ़ाने के लिए है ही नहीं, ये ध्यान रखिए। मॉक कभी बच्चों आपका स्कोर नहीं बढ़ाएगा, मॉक बस आप दीजिए प्रैक्टिस के लिए। आप सोच रहे हैं कि मॉक से आपको कुछ सीखने को मिलेगा या आपका स्कोर बढ़ेगा या फिर आप इंप्रूव कर जाएंगे या फिर आप सिलेक्शन ले लेंगे, ऐसा कुछ भी बच्चों मॉक से नहीं होता है, ध्यान रखिए। पढ़ करके ही सिलेक्शन होगा, पढ़ने से ही सिलेक्शन होगा, ये ध्यान रखें। तो आपको बच्चों पढ़ना ही होगा, मॉक देते रहिए आप वीकली या फिर दो दे दीजिए हफ्ते में, एक मंडे में दे दीजिएगा, एक संडे में दे दीजिएगा, सैटरडे पर संडे में कुछ भी करके कर लीजिएगा, दो दे दीजिएगा या फिर बीच के दिन में बांट लीजिएगा वेडनेसडे और संडे, कुछ भी करके आप ऐसा कर लीजिएगा, लेकिन बच्चों मॉक जरूर देते रहिएगा। लेकिन आप सोच रहे कि स्कोर बढ़ेगा, इस आशा में बिल्कुल मत रहना, स्कोर बच्चों सिर्फ पढ़ करके ही बढ़ेगा, और अभी आपके पास अच्छा सा समय है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको समय रहते हैं जगा दिया जाए और तैयारी में आपको लगा दिया जाए। सो गाइस, अपनी तैयारियों में अभी से लग जाइए और सभी बच्चे जितनी मेहनत हो सकती है अपनी तरफ से उतनी मेहनत कर लीजिए, अच्छे खासी वैकेंसी आपके पास में है और ये अगले साल भी इतनी वैकेंसी रहने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट ने साफ साफ कह दिया है कि 10 लाख से ऊपर वैकेंसी उनको भरनी है। यस गाइस, सो लगे अपनी तैयारियों में, ऑल द बेस्ट सभी को, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।